फूड इज़ एन आर्ट फॉर मी. अस्सलामुअलैकुम, माई नेम इज़ अनम रियाज. मैं एक शेफ, फूड ब्लॉगर और फूड फोटोग्राफर हूँ. कुकिंग का शौक़ मुझे अपनी मदर से हुआ. बचपन में जब भी वो मुझे किचन में भेजती थी, मैं कुछ सिंपल सा खाना बनाने के लिए भेजती थी और मैं उसमें अपनी ही क्रिएटिविटी, कुछ नई चीज़ ऐड करके एक नई रेसिपी क्रिएट करती थी. और जब मुझे मोटिवेशन मिली मेरी अपनी फैमिली की तरफ से, स्पेशली मेरे फादर की तरफ से, डालडा के साथ हमारा रिश्ता बचपन से ही है. मेरी मदर जब भी कोई मैगज़ीन घर में आता था, उसमें डालडा की जो भी रेसिपी होती थी वो हमसे ज़रूर शेयर करती थी. वीकेंड्स पे अक्सर मेरे घर वाले मुझसे नरगिज़ी कबाब बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं. मेरी कोशिश होती है जो भी बनाएं पूरे दिल से बनाएं. इससे मेरे दिल को बहुत खुशी मिलती है. अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट वर्दा शुएब और आप देख रहे हैं डालडा का दस्तरखान. हर शहर की अपनी एक अलग ही पहचान है. अगर कराची की बिरयानी मशहूर है तो इस्लामाबाद का पुलाव मशहूर है और लाहौर की कढ़ाई का तो कोई जवाब ही नहीं है. आज हमने इस्लामाबाद की एक बहुत ही फेमस ब्लॉगर को इनवाइट किया है. अस्सलामुअलैकुम अनम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच. आप मुझे बताइए कि आप भी जो है वो लॉकडाउन के दौरान आपको कुकिंग का शौक हुआ और उसी दौरान आपका एक ब्लॉग बना? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बहुत पहले से कुकिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी. आपको कुकिंग का भी शौक है, बेकिंग का भी शौक है, तो ये कैसे शौक डेवलप हुआ आपके अंदर? कुकिंग का शौक, मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और मुझे उनके हाथ का आलू कीमा बहुत पसंद है. बचपन में जब भी वो मुझे कुछ कहती थी बनाने के लिए, तो मैं किचन में जाके अपनी कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नई चीज़ निकालती थी. बेकिंग का इंटरेस्ट की बात करूँ तो बेकिंग एक ऐसी चीज़ है जो जब भी मेरा मूड ख़राब हो या कहने कोई भी मुझे टेंशन हो तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है. तो आइए चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि आज अनम हमें बनाना सिखा रही हैं नरगिसी कबाब. आ गए हैं हम अपने किचन में और यहाँ अनम हमारे साथ हैं जो बनाना सिखाएंगी हमें नरगिसी कबाब. राइट, ये तो बहुत ट्रिकी रेसिपी है यार. लेट्स डू इट. लेट्स डू इट. ऑलराइट, सबसे पहले चॉपर निकालेंगे हम. सबसे पहले आई थिंक इसके लिए हमें चॉपर चाहिए होगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स डू इट. अच्छा, सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगा कीमा. कीमा हम डालेंगे चॉपर में. ये आधा किलो है. आधा किलो है पोर्शन. हम अकॉर्डिंग जितना भी हमने बनाना हो उसके अकॉर्डिंग हिसाब से लाइए. मुझे दीजिए बोल. ओके, पहले हम इसमें प्याज ऐड करेंगे. अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे. 1 टेबल स्पून. जी. नेक्स्ट सॉल्ट जाएगा. सबसे पहले सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. उसके बाद लाल मिर्च पाउडर जाएगा. लाल मिर्च पाउडर जाएगा, हम कम ही रखेंगे बिकॉज इसमें ग्रीन चिलीज का पेस्ट भी जा रहा है. अब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर. ये जाएगा 1/2 टीस्पून. ओके, हल्दी से बहुत अच्छा सा कलर भी और टेस्ट भी होता है. और ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये भी हम 1/2 टीस्पून डालेंगे. अच्छा, ये जो है क्यूमिन हमने लिया है. क्यूमिन ये रोस्टेड है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है अगर आप थोड़ा सा इसको भून लें. अच्छा, इसमें सिनेमन पाउडर भी डालेगा. अब ग्रीन चिलीज डालेंगे इसमें. 2 टीस्पून हम इसमें ग्रीन चिलीज डाल रहे हैं. कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया इसमें जाएगा और ये सारा जाएगा इसमें. तो अब हम इसे चॉप करते हैं. हो गया ये? हाँ जी हो गया. ये लीजिए, आपके लिए इजी है इस तरह से. हाँ जी. चलें जी, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं. चलें, पूरा ही आ गया इसका, मैं निकाल लिया आराम से. इसको भी निकाल के हम यहाँ पे रख लेते हैं. अब तक फ्राई करेंगी तो हम इसमें पहले ऑयल जो है वो गर्म पे लगा रहे हैं इसमें डालडा का. बिल्कुल. और अब हम इसमें बेसन ऐड कर रहे हैं, ये इसकी बाइंडिंग का काम करेगा. हाँ हाँ. ये मैंने 1 टेबल स्पून डाला है. ये 2 टेबल स्पून आई थिंक इनफ है. ग्लव्स पहन लेते हैं. हाँ जी, आप ग्लव्स पहन लीजिए. और फ्राई करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डालडा का कुकिंग ऑयल, जो कि एक बेहतरीन ब्लेंड है प्रीमियम सोयाबीन का, कनोला का और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल का. आप जब तक कबाब बना रही हैं, मैं यहाँ पे डालडा कुकिंग ऑयल को गर्म पे लगा देती हूं. बहुत गर्म ऑयल में नहीं डालना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम में इसको पकाना, बिकॉज ब्रेड क्रम्स से इसकी कोटिंग होगी तो जितना लो फ्लेम में ये पकेगा उतने अच्छे बनेंगे. उतने अच्छे बनेंगे. हाँ. लेकिन इसको डीप फ्राई करेंगे हम. हाँ बिल्कुल, डीप फ्राई करेंगे. इसको पहले से ही हमें ये साथ मिक्स कर रहे हैं, गर्म पे लगा रहे हैं.
अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, अब हम इसके पोर्शंस बना लेंगे कोटिंग के लिए। अच्छा, फिलिंग हम एग के करेंगे, ये हार्ड बॉयल एग लेने हैं हमने। हमने पहले इसको ब्रेड क्रम में कोट करना है, डायरेक्ट अंडे में नहीं करना। हाँ, तक मैंने अंडे में कोट करेंगे तो ब्रेड क्रम जो है वो चिपकेंगे नहीं उस पे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, चलें जी, अभी हमारा लास्ट स्टेप है फ्राइंग का। लो फ्लेम पे कर देते हैं हम यहाँ पे, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है वो ऑयल भी डालती रहती हूँ ताकि अच्छे से ऊपर से भी कलर आ जाए और चारों तरफ से इसका इवन कलर आ जाए। राइट, अनम, आपको खुद को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? एनीथिंग हेल्दी। एनीथिंग हेल्दी, हमने सुना है आपको मीठा बड़ा पसंद है। मीठा आपको ये कैसे पता लगा आपको? जब हम आपको अपने शो पे बुलाते हैं ना, हम आप पे सारी नजरें रख रहे होते अच्छा, हैं। अच्छा, चलिए बाकी भी इसमें कोट करके ऐसे ही हम ऐड कर देंगे। आप ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। और इस तरह से हम सारे जो है वो नरगिसी कबाब फ्राई कर लेंगे और फिर आपसे मिलेंगे प्रेजेंटेशन के साथ डाइनिंग एरिया में। जी, तो आ गए हैं हम अपने डाइनिंग एरिया में और अनम ने बना लिए हैं नरगिसी कबाब। और आइए अब इसको मिलके टेस्ट करते हैं कि कैसे बने हैं। टेस्टिंग करें? बिल्कुल, पहले हम पिक्चर लेंगे और उसके बाद खाएंगे। चलो, ऑलराइट, और अब हम करेंगे टेस्टिंग। बिल्कुल कर सकते हैं। कितने खूबसूरत तीन कलर आ रहे हैं, लाइक इट्स मीट कलर, व्हाइट कलर और फिर अंडे की जर्दी का कलर। कैसे लगे? वाकई बहुत अच्छे बने हैं ये, बहुत फिलिंग है, बहुत फिलिंग है इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। और प्लीट मील आल्सो, अगर आपको बेवक्त की भूख कभी सताती है तो आप जो है वो नरगिसी कबाब भी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब, इसी के साथ ही आज का एपिसोड होता है खत्म। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में नई शेफ और नई रेसिपी के साथ। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।